आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं तान्या मौर्य, आपके साथ स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सेना में भर्ती होकर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी सौगात दी है, जिसे अब देश के युवा भी पूरी लगन के साथ सेवा कर सकेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या है नई भर्ती योजना? सेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती। 4 साल वाले सैनिक होंगे अग्निवीर। अग्निवीरों को मिलेगा आकर्षक वेतन। नौकरी के 4 साल बाद भविष्य के लिए मिलेंगे नए अवसर। नौकरी के बाद मिलेगा सेवा निधि पैकेज। जब देश में थे दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। क्या खूब लिखा है कवि प्रदीप ने इस गाने को, जो सैनिकों का जीवन बखूबी दर्शाता है। भारतीय सेना में शहीद नहीं, देश पर मर मिटने वाले वीर होते हैं। जवानों की शहादत की बदौलत ही हम यहाँ खड़े हैं। जब भी देश पर कोई संकट आता है, सैनिक हमेशा सीना चौड़ा करके देश के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं, और अब यही मौका देश के युवाओं को भी मिलेगा। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा, जिसके साथ ही उन्हें नौकरी छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इस योजना से देश के युवाओं को राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलेगा। अभी 32 साल एज प्रोफाइल रखा गया है, आगे ये 26 हो जाएगा। जो युवा इस योजना के तहत भर्ती होना चाहते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक फिट होना जरूरी है। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए सेना में शामिल हो रहे जवानों की औसत उम्र कम करने का प्रयास रहेगा और रक्षा बलों के खर्चे में भी कमी लाई जाएगी। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा, और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। बताया जा रहा है कि योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। हालांकि 4 साल के बाद ज्यादातर जवानों को उनकी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। 4 साल के अंतराल के बाद जिन युवाओं को सेना की नौकरी से मुक्त किया जाएगा, उन्हें दूसरी जगह नौकरी दिलवाने में भी सेना एक सक्रिय भूमिका निभाएगी। तर्क दिया जा रहा है कि सेना में अगर कोई 4 साल काम कर लेगा तो उसकी प्रोफाइल मजबूत बन जाएगी, और हर कंपनी ऐसे युवाओं को हायर करने में दिलचस्पी दिखाएगी। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। जबकि इस भर्ती को लेकर सशस्त्र बलों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि अगर इस टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट के तहत काफी संख्या में सैनिकों को भर्ती किया जाता है, तो वेतन, भत्तों और पेंशन में हजारों करोड़ की बचत की जा सकती है।
इसके अलावा भर्ती किए गए युवाओं में से बेस्ट को रिक्तियों के उपलब्ध होने की स्थिति में अपनी सेवा जारी रखने का भी अवसर मिल सकता है। युवाओं में देश प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से युवाओं को जवानों की शहादत और देश के लिए उनकी लगन को समझने का मौका मिलेगा। टैक्स रिपोर्ट प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।